दूसरा राजा अध्याय 15 कुल पद 38। इसराइल के राजा यारोबाम के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा अमस्या का पुत्र अजरिया राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकोल्या था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वैसे ही वह भी करता था, तो भी ऊंचे स्थान गिराए ना गए। प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे और यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि वह मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और अलग एक घर में रहता था और योताम नाम राजपुत्र उसके घराने के काम पर अधिकारी होकर देश के लोगों का न्याय करता था। अजरिया के और सब काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? निदान अजरिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा अजरिया के 38वें वर्ष में यारोबाम का पुत्र जकरिया इसराइल पर शोमरोन में राज्य करने लगा और 6 महीने राज्य किया। उसने अपने पुरखाओं की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग ना हुआ। और याबेश के पुत्र शल्लूम ने उससे राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको प्रजा के सामने मारा और उसका घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। जकरिया के और काम इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। यूं यहोवा का यह वचन पूरा हुआ जो उसने येहू से कहा था कि तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इसराइल की गद्दी पर बैठती जाएगी, और वैसा ही हुआ। यहूदा के राजा उज्जियाह के 39वें वर्ष में याबेश का पुत्र शल्लूम राज्य करने लगा और महीने भर शोमरोन में राज्य करता रहा, क्योंकि गादी के पुत्र महनेम ने तिरसा से शोमरोन को जाकर याबेश के पुत्र शल्लूम को वहीं मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। शल्लूम के और काम और उसने राजद्रोह की जो गोष्ठी की यह सब इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। तब महनेम ने तिरसा से जाकर आसपास के देश समेत तिप्सह को इस कारण मार लिया कि तिप्सहियों ने उसके लिए फाटक ना खोले थे, इस कारण उसने उन्हें मार लिया और उसमें जितनी गर्भवती स्त्रियां थीं उन सबों को चीर डाला। यहूदा के राजा अजरिया के 39वें वर्ष में गादी का पुत्र महनेम इसराइल पर राज्य करने लगा और 10 वर्ष शोमरोन में राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह जीवन भर अलग ना हुआ। अश्शूर के राजा फूल ने देश पर चढ़ाई की और महनेम ने उसको 1000 किक्कार चांदी इस इच्छा से दी कि वह उसका सहायक होकर राज्य को उसके हाथ में स्थिर रखे। यह चांदी अश्शूर के राजा को देने के लिए महनेम ने बड़े बड़े धनवान इसराइलियों से ले ली। एक एक पुरुष को 50-50 शेकेल चांदी देनी पड़ी। तब अश्शूर का राजा देश को छोड़कर लौट गया। महनेम के और काम जो उसने किए वे सब इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं।
निदान महनेम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र पकाहया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा अजरिया के 50वें वर्ष में महनेम का पुत्र पकाहया शोमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। उसके सरदार रमल्या के पुत्र पेकह ने उससे राजद्रोह की गोष्ठी करके शोमरोन के राजभवन के गुम्मट में उसको और उसके संग अरगोब और अर्रे को मारा और पेके के संग 50 गिलादी पुरुष थे और वह उसका घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पकाया के और सब काम जो उसने किए वह इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। यहूदा के राजा अजर्या के 52वें वर्ष में रमल्या का पुत्र पेके शोमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 20 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। इसराइल के राजा पेके के दिनों में अश्शूर के राजा तिगल्त पिलेसेर ने आकर इयोन, अबेल बेतमाका, यहनो, केदेश और हासोर नाम नगरों को और गिलाद और गालील वरन नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया और उनके लोगों को बंधुआ करके अश्शूर को ले गया। उज्जिया के पुत्र योताम के 20वें वर्ष में एला के पुत्र होशे ने रमल्या के पुत्र पेके से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पेके के और सब काम जो उसने किए वह इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। रमल्या के पुत्र इसराइल के राजा पेके के 2वें वर्ष में यहूदा के राजा उज्जिया का पुत्र योताम राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम यरूशा था जो सादोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात जैसा उसके पिता उज्जिया ने किया था ठीक वैसा ही उसने भी किया। तो भी ऊंचे स्थान गिराए ना गए। प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा के भवन के ऊंचे फाटक को इसी ने बनाया था। योताम के और सब काम जो उसने किए वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उन दिनों में यहोवा अराम के राजा रसीन को और रमल्या के पुत्र पेके को यहूदा के विरुद्ध भेजने लगा। निदान योताम अपने पुरखाओं के संग सो गया और अपने मूल पुरुष दाऊद के नगर में अपने पुरखाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा।